माइक्रो एवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो माइक्रो एवोल्यूशन में मैंने एग्जांपल दी इसकी गैलापागोस फिंचेस की। उसके बाद मैक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन का जैसे कहा कि ये नहीं है कि स्मॉल चेंजेस नहीं है, दीज आर ग्रेजुअल चेंजेस जरूर है, लेकिन मेजर चेंजेस एंड ग्रेजुअल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, मिलियन ईयर्स और लॉन्ग टाइम, तो उसकी ये कहानी है। तो उसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है हॉर्स की एवोल्यूशन। तो अगर आपसे कोई मैक्रो एवोल्यूशन की बात करे, तो तब भी आपने हॉर्स हॉर्स की या ग्रेजुअलिज्म की कहे कि ग्रेजुअल चेंजेस में कौन सी एग्जांपल आती है, तो तब भी हम हॉर्स की एवोल्यूशन कहेंगे। और अगर ये पूछे कि कौन से ऐसे हैं जो ग्रेजुअलिज्म में भी आते हैं और जिसका कंप्लीट फॉसल रिकॉर्ड भी है, तो तब भी हम बात करेंगे हॉर्स की। तो इसमें से कोई तीन चार क्वेश्चन इस तरह मतलब बन सकते हैं। तो हॉर्स की एवोल्यूशन अब मैं फर्दर जो है नेक्स्ट आगे करवाऊंगी भी। तो इसमें आप देखो इयो हिप्पस है, ओलिगो हिप्पस, मायरियो हिप्पस, प्लायो हिप्पस, मॉडर्न एक्वस या मॉडर्न जो है हॉर्स। तो ये इयोसीन से इसकी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी नॉर्थ अमेरिका में। इसके फॉसल्स कुछ नॉर्थ अमेरिका में पड़े हुए हैं और लास्ट के कुछ जो है वो फॉसिल जो है वो हमें मिलते हैं इसमें यूरोप में, लेकिन आज का हॉर्स जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका में। तो ये मैक्रो एवोल्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है, आइडियल एग्जांपल ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन, जिसमें मेजर चेंजेस, और वो मेजर चेंजेस कौन सी थी, उनमें से एक तो इनका बॉडी का साइज था, सेकेंड इनका डेंटेशन पैटर्न था, और थर्ड इनका जो है वो लेग और टोज। तो अब आप यानी ये था, और जो इन्होंने मेन चेंज की वो इन्होंने अपने हैबिट्स को चेंज किया, बिहेवियर को चेंज किया। तो जो पुराना हॉर्स था वो कार्निवोर नेचर का था और डॉग लाइक साइज था, और कार्निवोर्स जो है वो ज्यादातर अपने आप को हिडन रखते होते हैं, वो बहुत तेज, हम नहीं कहते कि वो भागते हैं, वो अपने वो छुपा के रखते हैं। तो उनके वो 5 टोज थी उनमें, और उनकी लेग्स भी छोटी थी, साइज भी डॉग जितना था, और उसमें कैनाइन थे बड़े बड़े क्योंकि वो कार्निवोर्स थे। लेकिन आज का जो हॉर्स है वो आपको हर्बीवोर मिलेगा, उसके डेंटेशन पैटर्न में आपको मोलर्स और प्री मोलर्स मिलेंगे, उसकी लॉन्ग नेक्स्ट लेग्स होंगी, और उसमें जो टो जो है वो जो है सिंगल टो, और उसके ऊपर यानी बाकी जो टोज हैं वो खत्म हो गए हैं और उसके ऊपर हूफ चढ़ा हुआ है, और साइज भी आप देखो कि वो डॉग लाइक नहीं है। तो आज का हॉर्स हॉर्स किसी भी सूरत जो है वो इयोहिप्पस से नहीं मिलता, इयोसीन के जो हॉर्सेस थे उनसे किसी भी फॉर्म में नहीं मिलता। तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशी नहीं है, आज की जो ये हॉर्स की स्पीशी है टोटली डिफरेंट फ्रॉम इयोसीन हॉर्स। तो इयोसीन में जो हॉर्स था उससे डिफरेंट है। तो ये मैक्रो एवोल्यूशन या ग्रेजुअल एवोल्यूशन, ग्रेजुअलिज्म की बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ लामार्क थेरी पे। तो ऐसे नहीं है, दरमियान में बहुत सारी थेरीज आती गई, तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टली बता देती हूँ कि एक होते हैं क्रिएशनिस्ट और एक होते हैं एवोल्यूशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट वो होते हैं जो स्पेशल क्रिएशन थेरी को मानते हैं, उनके मुताबिक स्पेशल क्रिएशन थेरी जो है या डिवाइन थेरी जो है या डिवाइन क्रिएशन थेरी, वो क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एज सच अपनी प्रेजेंट फॉर्म में बने हैं, वो किसी से निकले नहीं है, किसी इंसेस्टर से नहीं है, उनमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, वो एज सच अपनी जो है वो नेचर ने उनको बनाया है और वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में है, जैसे थे वैसे ही हैं, कोई उनमें ये नहीं है कि वहां से निकले हैं उधर से निकले हैं। जैसे हम कहते हैं बर्ड जो है वो रेप्टाइल से निकले हैं, फलां जो है वो फिशेज जो है वो जो है वो फिशेज से जो है वो एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने। तो ये वो कहते हैं एज सच फॉर्म में जो निकलते हैं ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, नेचर बनाती है, तो उसे हम स्पेशल क्रिएशन थ्योरी मानते हैं। अरिस्टोटल हो गया, कैरोलस लीनियस हो गया, तो ये क्रिएशन थ्योरी को मानते हैं, तो वो क्रिएशनिस्ट हैं। और जो एवोल्यूशन को मानते हैं तो उसमें हमारा पहला नाम आता है लामार्क का, और उसके बाद लामार्क की ये जो थ्योरी थी जिसको आगे जो है वो एक्सप्लेन करके और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एवोल्यूशन को जो दिया वो डार्विन ने दिया, जिसको हम फादर ऑफ एवोल्यूशन भी मानते हैं कि वो जो है वो फादर है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन जो है वो डार्विन की वजह से जो है वो ये ब्रांच जो है वो सामने आई। तो उसमें पहले लामार्क का नाम आता है। एक काम आपने और करना है कि सेकेंड ईयर की बुक में से एवोल्यूशन के चैप्टर में स्टार्ट में चार्ट दिया होगा जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ थेरीज दी हुई हैं, कौन सी डेट में दी हैं, तो वो आपने याद करना है क्योंकि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है, ये थ्योरी
थ्योरी जो है वो किसने दी है, या डार्विन की थ्योरी का नाम क्या है, लामार्क की थ्योरी का नाम क्या है, लामार्क ने थ्योरी अपनी कब दी थी, डार्विन ने अपनी कब दी थी, या ये इनकी डेथ कब हुई, ये बॉर्न कब हुए, या इनका पूरा नाम क्या है। अब लामार्क का जो है वो काफी डिफिकल्ट सा नेम है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। थॉमस रॉर जो है, क्या नाम है, मॉर्गन, ये बड़ा नाम है थॉमस मॉर्गन का उसमें जेनेटिक्स में, तो उसका भी पूरे नाम का पूछते हैं कि टी एच मॉर्गन से क्या मुराद है, थॉमस हंट मॉर्गन। इसी तरह लामार्क का भी काफी बड़ा लंबा चौड़ा नेम है। तो ये सारी चीजें आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, इनको याद भी करना है, इनकी थेरीज के नेम, थेरी कब दी गई, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ डेथ, और इनके जो है वो नेम पूरे, तो ये एक आपने करने हैं। तो लामार्क की जो थेरी थी एवोल्यूशन, जिसको हम एक्वायर्ड करेक्टर की भी थेरी मानते हैं, तो ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू इम्प्रूव देमसेल्फ बाय चेंजेस, यानी कि ये क्रिएशनिस्ट नहीं था, इसने कहा कि ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती हैं और कुछ चेंजेस होती हैं जो वो अपने ड्यूरिंग इन्वायरमेंट जो है वो लेते हैं, जिनको हम एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक कहते हैं। कुछ वो हैं जो अपने वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक। तो ये लामार्क के मुताबिक ये है कि कुछ बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी है जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी और वो रह जाएंगी वो, और जिसको हम यूज नहीं करेंगे तो वो डिसयूज करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। और जिसको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वो हमारी अगर एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक भी है और अगर हम उसको परसिस्ट करते हैं तो वो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक जो है वो उसका हिस्सा बन जाएंगी। तो यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि इसमें आप सबको यानी फेमिलियर हैं इससे और ये बहुत आसान सी बातें हैं। तो थेरी बाद में जो है इसकी रिजेक्ट हो गई क्योंकि एक तो ये इंग्लिश में नहीं दी थी उन्होंने, अपनी जो है वो लैंग्वेज में दी थी, और लामार्क बड़ा सादा सा पर्सन था, अपनी थेरी को जो है वो डिफेंड नहीं कर सका, तो ये थेरी बाद में रिजेक्ट कर दी गई। तो उसके बाद जो है वो जो थेरी हमारे पास सामने आई वो किसकी थी, थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसने बड़ा नाम कमाया। और ये जब भी हम बात याद करेंगे या देखेंगे थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो किसका नाम सामने आएगा, डार्विन का नाम सामने आएगा। तो डार्विन ने ये अपनी थेरी दी थी और इसकी बुक भी है, उसमें पूरा ये अपना पब्लिश कौन सी डेट में की थी ये सारा आपने करना है। तो थेरी के मेन पॉइंट क्या है, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। ये थेरी ऐसे नहीं कि उसने मतलब डार्विन ने दी, बल्कि एक स्ट्रगल करनी पड़ी खुद भी उसे 1831 से लेकर 1836 तक जो है अपने डार्विन ने जो है वो पूरी दुनिया का जो है वो विजिट किया, खुसूसन आइलैंड्स का, अपने खास किस्म के जो है उसके साथ HMS बीगल पे सफर किया जो उसका जो बहरी जहाज था, तो उसके ऊपर यानी कि वो खास किस्म का था और 1831 से उसने स्टार्ट लिया। और जो मेन फोकस था उसका वो गैलापागोस आइलैंड्स पे था, इसके अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ आइलैंड्स का उसने सफर किया, जो सी लाइफ है उसको भी स्टडी किया, आइलैंड की लाइफ को भी स्टडी किया, और जो मेन मास है अर्थ का तो वहां पर भी लाइफ को स्टडी किया, लेकिन ज्यादातर जो है वो आर्कटिक लेगो आइलैंड पे। जब भी हम बात करें गैलापागोस फिंचेस की तो उनकी डिस्कवरी जो है वो भी एडेप्टिव रेडिएशन जो है उसको डिटेल के साथ, नेचुरल सेक्शन को डिटेल के साथ वो किसने बताया, डार्विन ने बताया। तो मैंने पहले ये फिंचेस की कहानी आपसे जो है वो शेयर की है, तो वो फिर इसमें आ जाएगी कि द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है, और जो स्ट्रगल करेगा, जो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के लिए के मुताबिक अडॉप्ट कर लेगा, तो उसमें वैसी चेंजेस भी आ जाएंगी, और वो चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कहलाएंगी, वो वेरिएशन कहलाएंगी, और वही वेरिएशन उन ऑर्गेनिज्म को अपने एंसेस्टर से क्या कर देंगी, डिफरेंट कर देंगी। जैसे फिर गैलापागोस फिंचेस की कहानी थी कि मेन उनका जो एंसेस्टर था वो सेम था, वो साउथ अमेरिका से उनका मेन एंसेस्टर था, लेकिन जब वो इन फिंचेस का ये जो मैं कहती हूँ कि मेन एंसेस्टर सेम था, जब ये गैलापागोस आइलैंड में आए, वहां पर मुख्तलिफ आइलैंड देखे, तो इस तरह ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, और इतना विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये रिप्रोडक्टिव एक दूसरे से आइसोलेट हुए
तो बैरियर बन गया और अपने अपने आइलैंड में ये रह गए, अपने अपने आइलैंड की इन्होंने जो है वो डाइट को अडॉप्ट किया, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया, रिजल्ट इनकी बीक जो है वो चेंज होती गई और मुख्तलिफ स्पीशी बन गई। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि सम इंडिविजुअल बेटर सुटेड फॉर द इन्वायरमेंट, यानी जिसने स्ट्रगल की वो उस इन्वायरमेंट में रह गया, जिसने स्ट्रगल ना की उसकी डेथ हो गई। और रिजल्ट क्या हुआ कि जिसने स्ट्रगल की तो ग्रेजुअल चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता की, तो इन्वायरमेंट ने उसको सिलेक्ट कर लिया। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? नेचुरल सिलेक्शन। वो इन्वायरमेंट उसके लिए क्या बन गया? फेवरेबल बन गया। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है वो जब भी नाम सामने आएगा तो किसका आएगा? डार्विन का। ये गैलापागोस आइलैंड की वो फिंचीज हैं, ये पूरी आपको सेकेंड ईयर की बुक से मिल जाएंगी बायोलॉजी की। तो जैसे लार्ज ग्राउंड फिंच जो है ये सीड ईटर हैं, इनकी बीक आपको ऑर्थ्रा से मिलेगी। कैक्टस ग्राउंड फिंचीज जो हैं ये कैक्टस फ्रूट्स एंड फ्लावर ईटर हैं, इनकी बीक जो है वो स्मॉल होगी और इलोंगेटेड होगी। और वेजिटेरियन फिंचीज जो हैं इनकी और तरीके की बीक होगी, और जो इंसेक्ट ईटर हैं उनकी ऑर्थ्रा से होगी। और इस तरह ये 21 के करीब जो स्पीशी हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अडेप्टिव रेडिएशन की ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इनका कॉमन इंसेस्टर सेम है लेकिन इनकी इन्वायरमेंट डिफरेंट थी। उस इन्वायरमेंट में डिफरेंट होने की वजह से इनकी खुराक भी डिफरेंट हो गई और इनकी बीक भी एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। तो लेकिन इनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई? सिमिलर। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अडेप्टिव रेडिएशन ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो किसने दी? डार्विन ने। डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस जो थे वो दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, और दोनों ने इंडिपेंडेंटली सिमिलर रिजल्ट जो है वो शो किए। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपसे कुछ शेयर कर सकता है, या आपके आ सकता है कि अल्फ्रेड वेलेस ने जो है वो कौन सी थेरी दी थी, या वो उसका क्या लिंक था डार्विन के साथ। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में फर्क है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? रिजल्ट इन द चेंजेस इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, दीज चेंजेस इंक्रीज द स्पीशी फिटेस्ट इन इट्स इन्वायरमेंट। कि जो स्ट्रगल करता है इन्वायरमेंट के साथ जो है वो अपने आप को वैसा अडॉप्ट कर लेता है और ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आती हैं और इन्वायरमेंट उसको सिलेक्ट करता है, नेचर उसे सिलेक्ट करती है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? कि इन्हीं ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशली जो है एक दूसरे के साथ ब्रीड करवा के इनके आर्टिफिशियल जो आइडियल करेक्टरिस्टिक हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में ले लिए जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और वो डार्विन ने करवाई पिजन के साथ, कि कुछ पिजन ऐसे थे कि जो फ्लाई बहुत अच्छा करते थे, कुछ पिजन ऐसे थे जिनकी टेल और तरह की थी, कुछ पिजन ऐसे थे जिसके फेदर और तरह के थे। तो एक के फ्लाइंग फ्लाइंग कैपेसिटी बहुत बेस्ट थी एक स्पीशी के पिजन की, और दूसरे की जो है वो फेदर बहुत बेस्ट थे। एक की फीमेल ले ली और एक का मेल ले लिया, और उनको आपस में जो है वो ब्रीडिंग करवा के जो रिजल्ट से ऑर्गेनिज्म लिए गए, जो बच्चे लिए गए, उनमें वो दोनों क्वालिटीज थी। उनके फैदर भी बड़े बड़े थे और टेल भी फैन बनाती थी, टेल के फैदर बहुत अच्छे थे, और उनकी फ्लाइंग जो है फ्लाई भी बहुत अच्छा करते थे। तो इस तरह के सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हाँ जी, मॉड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें से भी काफी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के जो है वो थ्री टाइप्स की नेचुरल सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो इसको मैं शॉर्टली आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। स्टेबलाइजिंग का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीमिटीज को एलिमिनेट कर देना, दो एक्सट्रीम की जो फिनोटाइप है उनको नेचर सिलेक्ट ना करे, लेकिन जो मीडियम है, मिडल जो इनके दरमियान में जो है, ये जो मिडल करेक्टरिस्टिक रखते हैं या मीडियम में जो रखते हैं, हेट्रो हेट्रो यानी कि एक एक्सट्रीमिटी को भी नेचर जो है वो एलिमिनेट कर दे, दूसरी एक्सट्रीमिटीज को भी एलिमिनेट कर दे, लेकिन जो दरमियान के ऑर्गेनिज्म हैं जो हेट्रोजाइगोट हैं या तो उनको जो है सिलेक्ट अगर करेंगे तो इस तरह की नेचुरल सिलेक्शन को क्या कहेंगे? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। रैबिट की एग्जाम्पल ली है कि वो रैबिट जिनकी लॉन्ग लेग्स हैं और वो रैबिट जिसकी टू मच शॉर्ट लेग्स हैं, दोनों को जो है वो एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं लेकिन नेचर उनको सिलेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि लॉन्ग जो लेग्स होना वो भी ये रैबिट्स जो है वो रनिंग में जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लेग्स को उठाना जो है या इतनी इतना वजन उठाना उनके बस में नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा रनर नहीं होते। जिनकी बहुत छोटी लेग्स होती हैं वो रन नहीं कर सकते, तो जिनकी मीडियम लेग्स हैं तो उनको जो है नेचर सेलेक्ट करती है। इसी तरह
जो बच्चे पैदा होते हैं उनके आप वेट देख लो कि जिसका 3.5 या 4 kg वेट है वो आइडियल है, जिसका इससे ज्यादा वेट होगा तो वो भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे, और जो बच्चा पैदा होता है हमन का जिसका बहुत थोड़ा वेट होता है तो वो भी जो है सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मीडियम जो है वेट वाले, इसी तरह मीडियम हाइट वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग में जो जो मीडियम कलर है, जो हम कहते हैं गंदमी रंग है, वो उसके लिए नेचर जो है वो में सर्वाइव करना बहुत मतलब आइडियल है। तो यहाँ पर ये जो मिडल का जो है फिनोटाइप है, अगर उसको नेचर सिलेक्ट कर रही है और बाकी को एलिमिनेट कर रही है, तो इस तरह की सिलेक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो, एक ये एक्सट्रीमिटी इस पर भी एरो डाउनवर्ड आ रहा है, दूसरी एक्सट्रीमिटी जो है उसकी तरफ भी एरो डाउनवर्ड है, लेकिन मीडियम में सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे रैबिट जिनकी मीडियम लेग्स हैं तो उनका सर्वाइवल रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो नेचर उनको सिलेक्ट करेगी। तो इस तरह की सिलेक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकेंड जो मोड ऑफ सिलेक्शन में आती है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। वन ऑफ द एक्सट्रीम इज सिलेक्टेड फॉर द अदर अगेंस्ट, कि एक एक्सट्रीमिटी को एक ही टाइम में सिलेक्ट करना। तो आप देखो हॉर्स की लेंथ, हॉर्स की लेग्स की लेंथ, ये नहीं था कि एक ही टाइम में दोनों ही लेग्स जो है उसको किया जा रहा था। आप ये देखो ईओसीन में शॉर्ट लेग्स वाले जो हॉर्स थे उसको नेचर सिलेक्ट कर रही थी क्योंकि वो कार्निवोर थे, और आपके जो हॉर्स हैं उनके लॉन्ग नेक लेग्स को, जो उनकी बड़ी बड़ी टांगे हैं, लॉन्ग लेग्स हैं, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यार एक टाइम में एक एक्सट्रीमिटी, और इससे भी ज्यादा बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देनी है डायरेक्शनल सिलेक्शन में, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की जो एग्जांपल है वो बेस्ट आती है डायरेक्शनल में। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है कि मौत जो है, मौत की हम एग्जांपल देते हैं कि बर्तानिया में एक दौर था कि जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो मौत क्या होती है कि ये छोटे छोटे जो है ये इंसेक्ट होते हैं बटरफ्लाई से भी छोटे, तो ये जो है ट्रीज में, ट्रीज के ट्रंक में रहते थे जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, वहां स्मोक नहीं था, तो ट्री का ट्रंक जो है उसपे व्हाइट कलर के लाइकन थे, तो उस व्हाइट कलर के लाइकन पे जो व्हाइट कलर के मॉथ थे उनको नेचर ने सिलेक्ट किया, वो नजर नहीं आते थे, कीमोफ्लेज करते थे, तो वो प्रीडेटर उन्हें नहीं खा सकते थे क्योंकि नजर नहीं आते थे, तो वो सिलेक्ट हो गए। और जिनका डार्क कलर था या जिनका मीडियम कलर था वो दूर से नजर आ जाते थे और प्रीडेटर उनको खा लेते थे आराम से। तो इस तरह सेकेंड एक्सट्रीमिटीज भी और मिडल जो उनकी मिक्सचर था वो दोनों सिलेक्ट नहीं थे, और जो एक एक्सट्रीमिटीज में व्हाइट कलर के मॉथ थे वो कीमोफ्लैज करते थे और फिर वो नजर नहीं आते थे, रिजल्ट जो है उसको नेचर ने सिलेक्ट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुई, इंडस्ट्रीज बनी, उसका धुआं निकला बहुत ज्यादा, ट्रीज के जो ट्रंक है वो ब्लैक होते गए, तो जिन मॉथ ने स्ट्रगल की और आहिस्ता आहिस्ता अपना मेलानिन का कलर चेंज करके वो व्हाइट से डार्क कलर के हुए, अब जो ब्लैक कलर के थे या डार्क कलर के थे वो उनको नेचर सेलेक्ट कर रही थी, और जिनका व्हाइट कलर था या मिक्सचर थे तो उनको जो है वो दूर से नजर आ जाते थे। अब रिवर्स हो गया, लेकिन उस केस में भी क्या हुआ कि एक ही एक्सट्रीमिटी को सिलेक्ट किया गया। तो अगर एक टाइम में एक एक्सट्रीमिटीज को जो है एक्सट्रीम फिनोटाइप को नेचर सेलेक्ट करे और मिडल भी खत्म हो जाए, और हम क्या कहते हैं यानी कि दूसरी एक्सट्रीमिटीज भी ना हो, एक एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो है वो ग्राफ मूव कर जाए और बाकी एक्सट्रीमिटीज जो है उसकी तरफ ना हो और मिडल की तरफ ना हो, तो इस तरह के सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। और थर्ड है हमारे पास डिसरप्टिव, बोथ एक्सट्रीमिटीज आर सिलेक्टेड। अब जो है यहाँ पे दोनों एक्सट्रीमिटीज को जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है और मिडल को रिजेक्ट किया जा रहा है। हमने पहले स्टेबलाइजिंग में पढ़ा था कि मिडल जो है वो जिसके जिसका फिनोटाइप मिड में आ रहा है, ना बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीमिटीज की तरफ ना बहुत ज्यादा दूसरी एक्सट्रीम की तरफ, तो उसमें उसको सिलेक्ट किया जा रहा था डायरेक्शनल में वन एक्सट्रीम वन टाइम, और यहाँ पे बोथ एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड, लेकिन जो मिडल मिक्सचर है या दरमियान में जो जिसकी फिनोटाइप है उसको नहीं किया जा रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसरप्टिव। और बेस्ट एग्जांपल है कोट कलर ऑफ माइस। तो लाइट कलर्ड माइस लिव इन द लाइट इन्वायरमेंट, डार्क कलर माइस लिव इन द डार्क इन्वायरमेंट। जो मीडियम है ना वो लाइट कलर में फिट आते हैं ना वो डार्क में फिट आते हैं, तो मीडियम कलर वाले जो है उनको वो जो है वो प्रीडेटर फॉरन पकड़ लेते हैं, तो वो कॉमन नहीं है। तो
तो अगर इस तरह की दोनों एक्सट्रीमिटीज को जो है वो हम क्या कहते हैं सिलेक्शन हो रही है, तो ऐसी सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये थी नेचुरल सिलेक्शन की डिफरेंट टाइप्स, और नेचुरल सिलेक्शन को अगर प्रूव करना हो तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी एविडेंस देने के लिए क्या है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, उसकी कहानी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज गिवन बाय। ये मैंने जैसे पहले ही बताया था कि ये इस तरह की थ्योरी आती है, इनके इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता होता है। अब ये जैसे इससे दो क्वेश्चन निकल सकते हैं, एक ये द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज गिवन बाय कि किसने दिया और कब दिया। तो 1838 में माल्थस ने जो है वो पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर जो है ये भी पूछा जा सकता है कि वेलेस ने का क्या काम है, लायल ने क्या, या क्यूवियर ने क्या जो है कौन सी थ्योरी पेश की, तो या हार्डे वेनबर्ग का प्रिंसिपल जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि वो कब जो है वो दिया गया। तो इस तरह ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, इसको आप देखिएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि एवोल्यूशन में सेकेंड ईयर की बायो की टेक्स्ट बुक में वो जो चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट को आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर टू, हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट बिलीव्ड ऑन डिवाइन क्रिएशन और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, कि जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को मानने वाले हैं वो कौन से हैं, क्या वो कैरोलस लीनियस है, लामार्क है, डार्विन है, माल्थस है। तो ये तो एवोल्यूशनिस्ट हैं, लामार्क भी, डार्विन भी, माल्थस भी, तो अरिस्टोटल या हम कैरोलस लीनियस, क्योंकि अरिस्टोटल का इधर नाम नहीं है, तो कैरोलस लीनियस जो था वो क्रिएशन थ्योरी का जो है वो फॉलोअर था, उसको मानता था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है, कैरोलस लीनियस का। क्वेश्चन नंबर थ्री, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, अडैप्टिव रेडिएशन की, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, या हम क्या कह सकते हैं कि वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की एग्जाम्पल है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आना था नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ ऑप्शन में नेचुरल सिलेक्शन जो है उसकी आना था। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की बेस्ट एग्जाम्पल है, अडैप्टिव रेडिएशन भी नहीं कह सकते, डाइवर्जेंट भी नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट भी नहीं कह सकते, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं। तो ऑप्शन में क्या है, ये नेचुरल सिलेक्शन की जो है वो क्या है बेस्ट एग्जाम्पल है, या नेचुरल सिलेक्शन की आप कह सकते हो, तो या वो मोड ऑफ सिलेक्शन में मैंने आपको बताया था डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है उसकी ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर फोर, लामार्क पब्लिश्ड हिज थ्योरी इन 1809 एट द सेम डे विच साइंटिस्ट वाज बॉर्न, कि लामार्क ने अपनी ये थ्योरी 1809 में जो है वो ये पब्लिश्ड जब की थी, तो उस डे कौन सा साइंटिस्ट जो है वो पैदा हुआ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस दिन लामार्क ने अपनी थ्योरी पेश की थी उसी दिन जो है वो डार्विन पैदा हुआ था। तो डार्विन जो है एक और यानी कि एवोल्यूशनिस्ट जो है उसकी जो है वो उस दिन वो पैदा हुआ जिस दिन जो है वो लामार्क ने अपनी थ्योरी दी। एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बड़े एविडेंसेस सामने निकलते हैं, और उसमें सबसे जो बेस्ट है जो उसको सपोर्ट करती है वो पैलेंटोलॉजी करती है। इसमें से कई एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आप आर्चियोटेरिक्स लिथोग्राफी का की दे सकते हो, आप ऑस्ट्रेकोडर्म की दे सकते हो, प्लेकोडर्म की दे सकते हो, फर्स्ट जाल स्पीशीज, जार्ड फिशीज, या ये मैंने आर्चियोटेरिक्स लिथोग्राफी का कहा, या तो वो उनसे हम बता सकते हैं, या उससे भी बेस्ट एग्जाम्पल आप जो है वो हॉर्स की एवोल्यूशन जो है आपके सामने है। तो हॉर्स की एवोल्यूशन के सारे फॉसिल्स जो है वो हैं, और वो मिले हैं कुछ नॉर्थ अमेरिका से और कुछ जो है यूरोप से। तो आप जो है ये फॉसिल भी हमें बताते हैं, हम ये खुद से नहीं कहते, देखिए हॉर्स से भी पहले अगर मैं, हम खुद से नहीं कहते कि जो बर्ड्स हैं वो डायप्सिडा रेप्टाइल से निकले हैं, तो वो उसको कौन कहानी, उसको कौन प्रूव कर रहा है, वो आर्चियोटेरिक्स लिथोग्राफिका का जो जर्मनी में 1861 में जो फॉसिल मिला था, तो वो फॉसिल उसको प्रूव कर रहा था। इसी तरह ये हॉर्स की पूरी एवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनकी लेग्स जो हैं वो बड़ी होती गई, इनका साइज जो है वो डॉग से आज के हॉर्स में चेंज हो गया, इनका डेंटेशन पैटर्न कैनाइन से मोलर में चेंज हुआ, तो ये सारे जो हैं वो फॉसिल्स की डिस्कवरीज जो हैं ये पूरी ग्रेजुअलिज्म की कहानी को या मैक्रो एवोल्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो हॉर्स की एवोल्यूशन हो गई। इसी तरह कंपैरेटिव एनाटॉमी से जो है वो आराम से किसको फेवर किया जा सकता है, एवोल्यूशन को एविडेंस दिया जा सकते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी की। जब भी बात करेंगे
होमोलोगस ऑर्गन आएंगे और एनालोगस ऑर्गन आएंगे, ये मैं डाइवर्सिटी के लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करती गई हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिटेल में बताऊं, बस ये है कि वो ऑर्गन जिनके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन उनका फंक्शन बेशक सेम ना हो, उनकी मॉर्फोलॉजी बेशक सेम ना हो लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर सेम करे सेम हो और वो कॉमन इंसेस्टर से निकले हों, ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, और ऐसी एवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन। तो बेस्ट एग्जाम्पल मैंने साथ साथ देती भी गई हूँ, जैसे फोर लिम्स हैं ऑफ मैमल्स, आप ह्यूमन के फोर लिम्ब देखो, कैट के, वेल के, बैट के, आपको इनकी जो है मॉर्फोलॉजी नहीं सेम मिलेगी, इनकी फंक्शन नहीं मिलेंगे लेकिन इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें से बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और इसमें मेटा मेटा कार्पल्स, जो कार्पल्स और फेलेंजीज, ये आपको जो है कम अज कम मिलेंगे और ये इस चीज को शो करेंगे कि ये इनका इन्वायरमेंट जरूर चेंज हुआ था, ये एक कॉमन इंसेस्टर से निकल के डाइवर्ज कर गए मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में। और फिर जैसे गैलापागोस की फिंचेस, फिंचेस भी आप जो है वो इसमें दे सकते हो होमोलोगस जो है वो, या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में ये बेस्ट आ जाती है। फिर उसके बाद जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके इंसेस्टर सेम नहीं होते लेकिन चूंकि उनका इन्वायरमेंट सेम होता है जिसकी वजह से उनके उनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी हो जाती है, उनका फंक्शन एक जैसा हो जाता है लेकिन ये इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होती, तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन, और ऐसी एवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें बड़ी एग्जाम्पल आती है, जैसे इसमें जो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, तो ये एनालोगस ऑर्गन की है और इनका बैट का और इंसेक्ट की शक्लें या बर्ड्स की इनकी आपस में मिलना जो है वो ये बताते हैं कि इनके एंसेस्टर तो डिफरेंट थे लेकिन इन्वायरमेंट इनका एक था जिसकी वजह से इनके विंग्स बन गए लेकिन विंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो एक जैसे नजर आते हैं, जैसे मोल है, मार्सुपियल मोल और प्लेसेंटल मोल एक जैसा नजर आएगा, आंट ईटर जो है वो दोनों एक जैसे नजर आएंगे, लीमर और जो स्पॉटेड कसकस है वो एक जैसे नजर आएंगे, फ्लाइंग स्कैरल और फ्लाइंग फेलेंजर्स हैं ये नजर आएंगे, तस्मानियन वुल्फ और जो प्लेसेंटल वुल्फ है ये एक जैसे नजर आएंगे वुल्फ, लेकिन इनके जो है इंसेस्टर जो है वो डिफरेंट हैं और ये किसकी एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, इनका होना भी बताता है कि एवोल्यूशन होती है, जैसे स्नेक में हम कहते हैं कि वो लेग लेस है, उनमें लेग्स नहीं है लेकिन उनकी लेग्स के जो वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री जो बोन्स हैं वो इस चीज को शो करती है कि किसी जमाने में इनकी लेग्स थी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल हम मानते हैं एविडेंस के लिए, एवोल्यूशन के लिए। तो जैसे वेल की हिप बोन है, जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि इनका होना क्या नाम है, लेग्स की जो है वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर का होना, तो ये इसी तरह हम कहते हैं कि आज का इंसान ओमनीवोर है तो पुराना इंसान हर्बीवोर था, तो अपेंडिक्स का होना जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है तो वो भी इस चीज को प्रूव करता है। तो ये जो है मजे की कहानी है, टाइम मेरे पास इतना नहीं है मैं बहुत डिटेल से करवाऊं। तो इसी तरह कंपैरिजन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी से भी हम जो है वो कह सकते हैं कि एवोल्यूशन होती है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट। क्या आप वर्टिब्रेट के जो अर्ली एम्ब्रियो है उनको अगर आप इकट्ठा लेके आए तो उनमें आपको वो सिमिलर ही नजर आएंगे, सब में आपको गिल स्लिट्स नजर आएंगे लेकिन बाद में किसी के लंग्स बन जाएंगे तो किसी कोई गिल्स रखेगा कोई लंग्स में चेंज कर देंगे, लेकिन जो स्टार्ट की इनकी क्या नाम है डिवेलपमेंटल स्टेजेस हैं वो सिमिलर हैं बिल्कुल। टेल जैसे पोस्ट एनल टेल सभी में है, चाहे वो फिश का है, एम्ब्रियो रेप्टाइल का है, बर्ड का है, ह्यूमन का है, गिल स्लिट सभी में है। तो ये एवोल्यूशन के पैटर्न को क्या करते हैं, ये प्रूव करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो भी एक बेस्ट जो है एविडेंस देती है, डीएनए सीक्वेंस के से भी पता करवा सकते हैं कि एवोल्यूशन किसमें कितनी हुई है किसमें कितनी नहीं हुई, तो अनरिलेटेड स्पीशीज कौन सी हैं, रिलेटेड स्पीशीज कौन सी हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसमें हो रही है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसमें हो रही है, तो डीएनए जो है वो बेस्ट जो है एवोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट करता है। मॉलिक्यूलर भी जो है वो बायोलॉजी भी करती है, फॉर एग्जाम्पल आप हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस देखो तो आपके ह्यूमन ह्यूमन और गोरिल्ला के जो है वो
आपको रेसिस मंकी के ये सिमिलर मिलेंगे। तो बायोकेमिकल बहुत सारी जो रिएक्शन है वो इनमें सेम मिलेंगे, कुछ केमिकल्स इनमें सेम मिलेंगे जो इस चीज़ को शो करेंगे कि ह्यूमन एंड एप्स एंड चिंपैंजीज आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशी। उसके बाद है बायोजियोग्राफी, वो मैं पहले भी बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि बायोजियोग्राफी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, वो एवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल के साथ जो है वो इसका वेरीफाई करते हैं। जैसे लंग फिशेस का मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो इस चीज़ को शो करते हैं कि एक तो प्लेट टेक्टोनिक को भी और दूसरा जो है वो एवोल्यूशन को भी शो करते हैं। और इसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल आ जाती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को वो बायोजियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन में हॉर्स का बताया था कि नॉर्थ अमेरिका में थे, वहाँ से मूव करते हुए कहाँ आए, ये इस इधर यूरोप में और अब एशिया में होके रह गए। इसी तरह मार्सुपियल जो मैमल हैं उनकी लोकेशन से भी आप जो है वो इनका बता सकते हो कि एवोल्यूशन किस में हो रही है, किस में नहीं हुई, कौन से क्लोजली रिजेंबल ऑर्गेनिज्म है। अडेप्टिव रेडिएशन जैसे गैलापागोस फिंचीज है, उसकी बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आप अडेप्टिव रेडिएशन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एविडेंट कर सकते हो। हाँ जी, लास्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन आर यूजलेस बट स्टिल परसिस्ट इन ऑर्गेनिज्म मे बी कंट्रोल्ड बाय जीन। हम ये कहते हैं लामार्क की अगर बात को हम कहें कि जी जिन ऑर्गन्स को यूज नहीं किया जाता वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई काम नहीं है। असूलन तो उनको खत्म होना हो जाना चाहिए, उनको हमारे अंदर रहना नहीं चाहिए। जैसे निकटेटिंग मेम्ब्रेन है, मेल के मेमरी ग्लैंड है और अपेंडिक्स है, तो इनको तो ये तो यूजलेस है, इनका तो कोई काम नहीं है, इनको तो खत्म होना चाहिए, लेकिन ये अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो है इनको कंट्रोल अभी भी कौन से जीन करवा रहे हो। ऑप्शन जरा पहले मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। वेस्टिजियल ऑर्गन आर यूजलेस बट स्टिल परसिस्ट इन ऑर्गेनिज्म मे बी कंट्रोल्ड बाय जीन। पेलियोट्रॉपिक, एपिस्टेटिक, मल्टीपल, नन ऑफ देम। तो ये हमारी बॉडी से इसलिए खत्म नहीं हो रहे कि इनको पेलियोट्रॉपिक जो है वो जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं। पेलियोट्रॉपिज्म का प्रोसेस जो है वो जेनेटिक्स में है बहुत डिटेल के साथ, कि ऐसे जीन जो एक से ज्यादा काम करें, तो इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन खत्म नहीं हो रहे क्योंकि उनके जीन ने वेस्टिजियल ऑर्गन के काम को तो खत्म कर दिया, लेकिन और तो काम कर रहे हैं वो जीन। तो जब वो काम भी खत्म छोड़ देंगे, वो जीन खत्म हो जाएंगे, तो तब हम कहेंगे कि वो वेस्टिजियल ऑर्गन भी खत्म हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? पेलियोट्रॉपिक जीन। अ सडन चेंज इन अलील फ्रिक्वेंसी एट अ लोकस बाय चांस इज कॉल्ड, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डे-वेनबर्ग का। ये मैं शॉर्ट टाइम था नहीं करवा सकी, आप लोग इसको खुद कर लीजिएगा। तो सडन चेंजेस जब आती हैं किसी एलीलिक फ्रीक्वेंसी में और बाय चांस आती हैं तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट मानते हैं कहते हैं। और ये जनाब इसको ऑप्शन में भी क्या आएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल ऑर्गन्स डिराइव्ड फ्रॉम, जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी रखते हों और सिमिलर फंक्शन रखते हों, जिनके सिमिलर मॉर्फोलॉजी हो और सिमिलर फंक्शन हो, तो वो कौन से हैं? लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर तो कभी सिमिलर नहीं होगी, वो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं और वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, और जो ये शो करेंगे उनके डिसिमिलर इंसेस्टर होंगे। तो यहाँ पे बी आएगा, डिसिमिलर। और अगर यहाँ मैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का लिखती तो फिर कौन से आते? सिमिलर आते। तो ये किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, मॉडर्न हॉर्स इज कॉल्ड, क्या हम उसको इओहिपस कहेंगे, मायोहिपस कहेंगे, प्लायोहिपस कहेंगे या एक्वस कहेंगे? तो उसका नाम क्या है? एक्वस है। तो हॉर्स की एवोल्यूशन के हवाले से ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि हॉर्स की एवोल्यूशन कौन सी एग्जाम्पल में आती है, क्या वो मैक्रो एवोल्यूशन है, वो माइक्रो एवोल्यूशन है, क्या वो ग्रेजुअल एवोल्यूशन है या सडन एवोल्यूशन है, तो या कौन से हैं जिसके मुकम्मल तौर पे हमें फॉसिल्स मिलते हैं? तो इस हवाले से ये हॉर्स की जो है वो एवोल्यूशन आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हार्डे वेनबर्ग जो है उसका प्रिंसिपल
जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये, और कुछ और भी चंद जो हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि पैटर्न या रेट ऑफ एवोल्यूशन, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये रह गए हैं, इसको काइंडली आप लोग कीजिएगा और हमारे साथ कनेक्ट कनेक्टेड रहिएगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगला मैं कोशिश करूँगी कि मैं वाइल्ड लाइफ का भी दूँ आपको, और जो है वो 2 या 3 लेक्चर जो है वो मैं इकोलॉजी से आपको दूंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।